नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की छोटी बड़ी सभी खबरों पर। यूपी के आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदहा बाजार में बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे कपड़ा व्यवसायी पिता व पुत्र को उनकी दुकान में ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद आला अधिकारी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। गोपालपुर गांव निवासी रशीद अहमद उम्र लगभग 55 वर्ष, पुत्र मुस्तफा सरदहा बाजार स्थित अपने मकान में रेडीमेड कपड़े का व्यवसाय करता था। उसका परिवार भी इसी मकान में रहता है। बुधवार की सुबह वह अपने छोटे बेटे शोएब उम्र 20 वर्ष के साथ दुकान खोलकर साफ सफाई कर रहा था, तभी बाइक सवार 3 लोग मौके पर पहुंचे और दुकान में घुसकर रसीद पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। शोएब जान बचाने के लिए दुकान के दूसरे हिस्से में निर्माणाधीन मकान की तरफ भागा तो अपराधियों ने उसे भी दौड़ा कर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, अपराधी हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। घटना स्थल पर जुटी भीड़ में लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मृतक की दुकान के सामने ही एक और कपड़े की दुकान थी। दोनों दुकानदारों के बीच लगभग 3-4 वर्ष पूर्व ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाने को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था, जो पिछले कुछ माह पूर्व मारपीट में तब्दील हो गया था। मारपीट के मुकदमे में लगभग 6 माह पूर्व मृतक पक्ष के लोग कई महीने की सजा काटकर जमानत पर लौटे थे और तभी से अपने कारोबार में जुटे थे। आजमगढ़ से वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। महाराजगंज के सरदा बाजार में आज अब्दुल रशीद और उसके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें उनके जो सामने दुकान है गुप्ता जी, अब्दुल गुप्ता जी के लोगों के हथियारों से और कहना है इनमें आपस में दुकानदारी उसने देखे तो ग्राहकी है ग्राहकी विवाद के बाद पुराने दिन में एक मुकदमे लिखे हैं कंप्यूटर से उनमें काशिक लगी हुई एक तो पुराना इनमें झगड़ा चला आ रहा था और अपने कार्रवाई हो चुकी थी पहुँच। अभी ये ताज़ा घटना है और इस घटना के तहत लिखे गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाए। हाँ सर, इस परिवार से साया उठ चुका है, बाप का बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो कुछ मदद ही रहेगी सरकार? पुलिस का काम अभी प्राथमिक तौर से हम लोग अपना पुलिस की कार्रवाई फौरी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वही कार्रवाई देखा जाए। अब तक कोई गिरफ्तारी अभी तक कोई गिरफ्तारी तैयार आ जाए, इसके बाद तुम तो तैयार।